संस्कृति और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके योग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता शिक्षकों एवं गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने का प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख नीत है। जय हिंद। प्रभात सभी को। मैं आज आपके समक्ष आज का सुविचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का सुविचार है, सबसे याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। मैं अपना सुविचार पुनः दोहराता हूँ। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इस सुविचार के विचारक है सुभाष चंद्र बोस जी। धन्यवाद। मेरा नाम अभय कश्यप है। और मेरा नाम रुद्रराज भारद्वाज है। आज हम आपके सामने समाचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का समाचार कुछ इस तरह है। राष्ट्रीय समाचार। 20 दिन बाद बढ़ी पेट्रोल की दाम, डीजल भी हुआ महंगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्र बाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली में एक दिन के लिए उपवास पर बैठेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। घटती जनसंख्या से जूझ रहा हंगरी देश आबादी बढ़ाने के लिए महिलाओं को खास रियायतें देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया डेविड मार्क्स को। इसके पहले जिम योंग किम थे विश्व बैंक के अध्यक्ष। आगे की समाचार के लिए हम अभय की तरफ चलते हैं। धन्यवाद रुद्र। हम अब हम खेल समाचार की ओर चलते हैं। खेल समाचार। आईसीसी T20 रैंकिंग की जारी टीम रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर। टेनिस में 11 बार की चैंपियन चेक रिपब्लिक की टीम 2009 के बाद फेड कप में पहली बार घर में हारी। मौसम समाचार। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद। आपका दिन शुभ है। मैं मंगल में हूँ। प्रभात। आज मैं आपके सामने आज का शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का शब्द आधुनिक और नवीनतम, विलोम प्राचीन, वाक्य में प्रयोग। आज हम आधुनिक भारत में सांस ले रहे हैं। धन्यवाद। शुभ प्रभात सभी को। मैं जयंत दिनजार, कक्षा 4 का छात्र, आज आपके समक्ष पुस्तक समीक्षा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पुस्तक का नाम भारत में लोकतंत्र, पुस्तक क्रमांक 1681, पब्लिकेशन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, लेखक चंद्र प्रकाश भामहरी, मूल्य ₹55। पुस्तक के बारे में। पंचायत से लेकर संसद तक 67 करोड़ से अधिक मतदाता एवं 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ भारत विश्व का महानतम लोकतंत्र है। यह चिंतन इस पुस्तक के लिए उत्तेजना युक्त लेखन का किया गया ऐसा कार्य है जो लोकतंत्र के धुरंधर राजनेताओं के लिए सफलता की राह बनाता है। साथ ही यह पुस्तक संतुलित बहुआयामी वास्तविकता से भरी हुई है। यह पुस्तक आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक अवसरों तथा चुनौतियों से हम रूबरू भी कराती है। यह छात्रों के लिए पठनीय तो है, जमीन से जुड़े नेताओं के लिए उपयोगी भी है। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी यह पुस्तक पुस्तकालय में जाकर जरूर पढ़ें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। सुप्रभात। हम आज आपके समक्ष विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न उत्तरी करने जा रहे हैं। हमने कक्षाओं को 4 समूहों में बांटा है। हमारा पहला समूह है कक्षा 1 और 2, हमारा दूसरा समूह है कक्षा 3 से 5, हमारा तीसरा समूह है कक्षा 6 से 7 और हमारा चौथा एवं आखिरी समूह है कक्षा 8 और 9। मेरा प्रश्न है समूह 1 के लिए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आपका उत्तर सही है, 24 घंटे। हमारे देश की राजधानी क्या है? आपका उत्तर सही है, नई दिल्ली। समूह 2 के लिए पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है?
छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? आपका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर पहाड़ी मैना है। दूसरा प्रश्न, SBI बैंक का पूरा नाम क्या है? आपका उत्तर सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समूह तीन के लिए पहला प्रश्न, मिर्च में ऐसा कौन सा अजवाइन पाया जाता है जिसके कारण वह तीखा होता है? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराता हूँ, मिर्च में ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण वह तीखा होता है? इसका उत्तर है कैप्सिन। दूसरा प्रश्न, भारत में कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराता हूँ, भारत में कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है? उत्तर है कर्नाटक के कोलार नामक स्थान पर। समूह चार के लिए पहला प्रश्न, धरती पर पाए जाने वाला सबसे ठोस पदार्थ क्या है? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराता हूँ, धरती पर पाए जाने वाले सबसे ठोस पदार्थ क्या है? उत्तर हीरा। दूसरा प्रश्न, ओलंपिक झंडे पर कितने छल्ले होते हैं? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराता हूँ, ओलंपिक झंडे पर कितने छल्ले होते हैं? उत्तर 5 छल्ले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।